तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे और ये हमारा रूम है। ये यहाँ पे इन्होंने डबल बेड दिया हुआ है हमारे को और यहाँ पे सिटिंग के लिए है एक बेड यहाँ पे लगा है छोटा सा, कोई एक्स्ट्रा पर्सन के लिए। हम लोग थोड़ा चार लोग थे इसलिए हमें इसका नीड था। ये ऑयल हीटर दिया है, ये आपका टी का है यहाँ पे रखा हुआ टी बनाने के लिए। ये टेबल दिया है छोटा सा स्टडी टेबल और ये इसका टॉयलेट है। रूम काफ़ी स्पेशियस है, अच्छा है। बस ये बस इसका एक ही वो है माइनस पॉइंट, इसका व्यू नहीं है। ये इसका जो व्यू है ये बाहर का व्यू है बस, मतलब कुछ है नहीं व्यू वगैरह। कोई माउंटेन हाँ थोड़ा बहुत है ऊपर माउंटेन का, इससे ज़्यादा नहीं है। बट सामने होटल है तो व्यू नहीं है इसका। क्या चल रहा है भैया यहाँ पे? ये फुटबॉल खेल रहे हो तुम? तेरे अभी तक कितने हुए हैं? अब भैया के कितने हो गए गोल? चलो हम खेलेंगे चेस या कैरम खेलें? ठीक है। यार इस बार स्नोफॉल ने बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। लास्ट ईयर तो यहाँ इतना स्नोफॉल हुआ था, सेम टाइम पे आए थे हम लास्ट ईयर भी, लेकिन उस टाइम हमें बहुत स्नोफॉल देखने को मिला था और बहुत ही मज़ा आया था हमें। और इस बार तो पूरा सूखा पड़ा हुआ है, कहीं भी कोई बर्फ नहीं है, ना सोलांग है ना सिसु अटल टनल के आगे थोड़ा बहुत है, वो भी बहुत पुरानी स्नो है। लेकिन लास्ट ईयर तो हमें यहीं इतनी स्नो मिल गई थी जिसकी क्लिप्स हम आगे जोड़ रहे हैं, जिसे हम कंपेयर कर सकते हैं करंट सिचुएशन से और लास्ट ईयर जब स्नोफॉल हुआ था यहाँ पर।
सोलांग अटल टनल सिस्सू से आने वालों का जाम। अभी रात के बज रहे हैं 8 और अभी तक लोग आने पे लगे हैं, तो मेरा तो मानना है कि सबको टाइम पे निकल जाना चाहिए वहाँ से पहले ही। जितना लेट निकलोगे उतना लंबे जाम में फंसोगे। देखो पलचन तक लगा हुआ ये पूरा जाम। और यहाँ पे हो चुकी है पार्टी की तैयारी। अब बस न्यू ईयर पार्टी स्टार्ट ही होने वाली है यहाँ पे। फुल वाइब शुरू हो गई है न्यू ईयर की। 1 2 3 स्टार्ट रन। एक मिनट म्यूजिक। तू आके देख ले घूम ले रातें कितनी सारी।